तो दोस्तों फाइनली ओनर 9X और ओनर 9X प्रो दोनों स्मार्टफोन की फुल स्पेसिफिकेशन लिस्ट कर दी गई है टीना पे। और इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा, जिसका प्राइमरी कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल्स का सोनी के IMX586 वाला सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी वाटर डॉट मॉस देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको एक पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 20 मेगापिक्सल्स के साथ आएगी। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में पहली बार आपको 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको भी जानना है इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत कुछ, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहे और दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोनों स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन का स्पेक्स काफी सिमिलर होने वाला है, थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाले दोनों स्मार्टफोन में, तो मैं दोनों स्मार्टफोन को इस वीडियो में कवर करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले और डिजाइन से। तो दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है एक 6.59 इंच की फुल HD प्लस की स्क्रीन, जो कि बहुत ही बिग होगी। और दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलने वाला स्मार्टफोन में, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में इस बार देखने को मिलेगा 20 मेगापिक्सल्स का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि ऑनर और वाई स्मार्टफोन दोनों स्मार्टफोन में आपको कैमरा काफी बेहतरीन देखने को मिलता है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतरीन एक 4000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलने वाली है, जो कि फास्ट चार्ज को सपोर्ट करेगी। अगर वही बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड की, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि एक ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आएगी। और आपको बैक में एक ग्लास बैक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हो सकता है कि स्मार्टफोन में आपको कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाए इस बार। आपको क्या लगता है, ऑनर क्या इस स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करेगा या नहीं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की कैमरे की, तो इस बार ऑनर प्रोवाइड करने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा बैक साइड में, जो कि प्राइमरी कैमरा होने वाला 48 मेगापिक्सल्स का सोनी के IMX586 का सेंसर। और उसके साथ ही दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला 8 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल लेंस, और उसके साथ देखने को मिलने वाला 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर। और अगर बात करें दोस्तों ऑनर 9X की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में जो कैमरा देखने को मिलने वाला है वो 24 मेगापिक्सल्स का होगा प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल्स का होगा एक वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का होगा एक डेप्थ सेंसर कैमरा। तो दोस्तों सिर्फ कैमरा में ही डिफरेंस देखने को मिलने वाला है इन दोनों स्मार्टफोन में। और फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलने वाला है किरिन का 810 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेसर है और बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है किरिन की तरफ से। और दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इस स्मार्टफोन का जो अंतुतु स्कोर है वो स्नैपड्रैगन के 730 से भी ज्यादा है, यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है वो आपको स्नैपड्रैगन के 730 रेडमी K20 के प्रोसेसर से भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड पाई, जो कि सपोर्ट करेगा EMUI 9 को। और उसके साथ ही दोस्तों आपको बहुत ही जल्द एंड्रॉइड क्यू का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ ही दोस्तों आपको EMUI 10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत दिन से ऐसी बात चल रही थी कि आपको हुआई और ऑनर के स्मार्टफोन में गूगल के एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलने वाला है, बट वो सारे मसले सुलझ गए हैं और आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा इस बार एंड्रॉइड 9 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स। अगर वही बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो ऑनर 9X जो स्मार्टफोन होगी उसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी 15,000 रुपए के करीबन। और दोस्तों ओनर 9X प्रो जो स्मार्टफोन होगी उसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाली है 17,000 से 18,000 रुपए के करीबन बेस वेरिएंट की। और इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरिएंट होने वाला दोस्तों 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, जैसा कि आपको रियलमी X स्मार्टफोन में देखने को मिला है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको इस स्मार्टफोन के बारे में, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फाइनली दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो इसे ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर। यानी दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो लॉन्चिंग इवेंट रखी जाएगी इंडिया में वो हो सकती है अगस्त के महीने में। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस स्मार्टफोन के बारे में, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।